पर किसने की फायरिंग? किसने बचाई पूर्व पीएम की जिंदगी? जाने हमले से जुड़े हर सवाल के जवाब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई है। इमरान पर उस समय कातिलाना हमला हुआ जब वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के वजीराबाद में रैली कर रहे थे। हमलावर इमरान की जान लेने का इरादा बना कर आया था, लेकिन रैली में मौजूद एक शख्स ने फरिश्ता बनकर इमरान खान की जान बचा ली। दरअसल जब हमलावर फायरिंग कर रहा था तो उसी शख्स ने पीछे से उसकी बंदूक को पकड़कर नीचे कर दिया। इस वजह से उसका निशाना चूक गया और उसे तुरंत वहां से भागना पड़ा। उस शख्स ने इसके बाद भी हमलावर का पीछा नहीं छोड़ा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। अब इमरान को बचाने वाले शख्स का बयान भी सामने आ गया है। उसने पाकिस्तानी मीडिया से कहा, मैंने जब हमलावर को देखा तो वह फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, मैंने उसे जोर से हिट कर दिया। उसने एक गन फेंकी और वहां से भागने लगा। मैं भी उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। उसने आगे कहा, जब तक हम जिंदा हैं, खान साहब के ऊपर आंच भी नहीं आ सकती। मैं खड़ा हुआ था, इमरान खान साहब को देख रहा था, तो मैंने इधर ध्यान दिया है, अचानक ना वो पिस्टल लोड कर रहा था, तो उसने इमरान खान के सामने खान साहब का सीधा किया, तो मैंने अब इसने फायर किया ही था, तो मैं उसका पकड़ लिया बाजू, तो उसका नीचे किया, तो एक बंदे को लगा भी नहीं। कितने बंदे थे मेरे सामने? एक ही था सामने, एक ही था। पकड़ा गया? हां पकड़ा है उसको पूरा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को वजीराबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। कार्यक्रम में एक आरोपी ने उन पर फायरिंग की, जिसमें इमरान खान घायल हो गए। उनके अलावा 9 और लोग जख्मी हुए हैं। फायरिंग में एक शख्स की मौत की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। हमले को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपने कबूलनामे में आरोपी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उसी ने इमरान खान पर गोली चलाई थी। उसका कहना है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के द्वारा अजान के समय लाउडस्पीकर बजाया जा रहा था, उससे काफी शोर हो रहा था। उसके अलावा आरोपी शख्स को इस बात पर भी नाराजगी थी कि इमरान जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बस इसी वजह से उस युवक ने एक ऑटोमेटिक राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें इमरान खान को तो पैर में गोली लगी, वहीं बाकी 9 लोग भी जख्मी हुए। एक शख्स की हमले में मौत भी हो गई। इमरान खान की पार्टी ने पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा और आईएसआई के मेजर जनरल फैजल को इस मामले के लिए जिम्मेदार बताया। मियां असलम इकबाल और अन्य पार्टी नेताओं ने जोर देकर कहा कि इमरान खान के खिलाफ ये जानलेवा साजिश इन लोगों ने की है। अभी के लिए पीएम शहबाज शरीफ या मेजर जनरल फैजल जनरल ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। स्थिति को समझते हुए अभी किसी भी तरह की बयानबाजी से बचा जा रहा है। पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं इमरान खान पर हुई फायरिंग की निंदा करता हूँ। इस मामले में तुरंत रिपोर्ट मांगी गई।